हमारा नेता लड्डू सिंह, लड्डू सिंह देश का नेता, देश का नेता लड्डू सिंह, हमारा नेता, हमारा नेता लड्डू सिंह, लड्डू सिंह देश का नेता, देश कौन है लड्डू? अब लड्डू भी चुनाव लड़ेंगे? आजकल लड्डू टाइप के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। चाचा इसे पहले तो नहीं देखा लापतागंज में? अरे ये घाटमपुर का बदमाश है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लापतागंज से चुनाव क्यों लड़ रहा है। अब आजकल लोग कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं। ये क्या बात हुई, लापतागंज में एक भी नेता नहीं रहा था जो बाहर से लोग आके चुनाव जीतेंगे? अरे ये क्या जाने हमरी बनियान में कितनी छेद है। हमको भी इसी बात पे खेद है। बात तो सही है, हमारा नेता तो हमारे बीच का ही होना चाहिए। बीच में तो मिश्री ही खड़ी है, तो तुम ही खड़ी हो जाओ ना। जो बीच में खड़ा है वो साइड हो लेता है और फिर कहता है नेता तो बीच का होना चाहिए ना। खड़ा कौन होगा? हम खड़े हो जाएगा। चुंदर के सर में चमेली का तेल, शकल देखिए कभी आईने में। हम तैयार हैं, हम खड़े हो जाते हैं। ए चिपकू चमगादड़, मेरे को लुंगी वाला नेता ना चाहिए हम लोग को। जब धोती वाला चल सकता है तो लुंगी वाले से क्या खुज लिया बे? हम लड़ जाते हैं। अरे तुम तो पहले हमसे लड़ ले। हम लड़ेंगे हम। अबे हट, ये हट तू हट, तुम हट बे, काम करा काज के। अरे राजा बे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कछुआ चाचा ये क्या हो रहा है? अरे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो खुद से ही लड़ रहे हैं। आप लड़ेंगे चुनाव? क्या बात कर रहे हो कछुआ चाचा, हम इन लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं। आप पगला रहे हो का? आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? काहे नहीं लड़ोगे? हाँ जवाब दो, काहे नहीं लड़ोगे? अरे हमें चुनाव लड़ना आता कहाँ है? अरे चुनाव लड़ने में है कहाँ? अच्छा काहे? तो भी नहीं पता ना। सबसे पहले तो दो चार सफेद कुर्ता पजामा खरीद लो, फिर टोपी लगा लो, फिर दो चार अंटर पंटर जमा कर लो, फिर जिंदाबाद जिंदाबाद करो, उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद करो। और चुनाव में जो वादे करने पड़ते हैं वो वादे? वादे करने में तुम्हारा कोई जोड़ है का? हमसे कितने वादे किए हैं? तो वादे पूरे भी तो करने पड़ते हैं ना। अच्छा हमसे किए कौन सा वादा पूरे किए हो? तुम ना नेता बनने के लिए एकदम फिट टू फिट जाओ, चुनाव लड़ के आओ, जीत के आओगे। तुमसे तो जीत नहीं पाए, चुनाव क्या खाक जीतेंगे? जाओ चाय बना के लाओ, देश को संभालने वाले बहुत मिल जाएंगे। पिताजी पिताजी, आपके पिताजी गिर गए। अरे पिताजी पिताजी क्या करे पिताजी, पिताजी आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जब आप पीछे बैठो ना तो जेब में चौवनी अट्ठनी डाल के बैठा करो, क्या कि थोड़ा वजन रहेगा तो आप गिरोगे नहीं, हमें आपकी चिंता रहती है। जरा संभाल के लाना, हम जाते हैं। अरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। नमस्कार दयाल सिंह जी। नमस्कार। आज कौन सी दवा बांट रहे हैं, टीबी की या मलेरिया की? आज पोलियो दिवस है, हमें चिंता रहती है। ये लीजिए दो बूंद जिंदगी के। लेकिन चुकुंदी तो स्कूल गया है। हाँ। इसलिए तो हमें चिंता रहती है। इसलिए पूरे परिवार को साथ लेके घूमते हैं का? पिताजी को हम इसलिए साथ लेके चलते हैं क्योंकि पिताजी हमारी प्रेरणा है, और हम बेटे को साथ लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि अगर ना लेके चले तो वो प्रेरणा से मिलने चला जाता है। क्योंकि हमें चिंता रहती है ना। फिर भी बहुत समाज सेवा का काम करते हैं आप। करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन आप तो समाज से सेवा करवाते हैं कछुआ चाचा। अब कुछ लोग सेवा करवाते भी हैं। लेकिन आप धन्य हैं दयाल सिंह जी, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, कभी टीबी की दवा, कभी मलेरिया और कभी पोलियो की दवा बांटते हैं। आप जैसा समाज सुधारक अगर राजनीति में आ जाए ना तो इस लापतागंज का किस्मत बदल जाएगा। हाँ, दयाल सिंह जी। हाँ, नहीं नहीं हमें चिंता रहती है। चिंता रहती है तभी तो कह रहे हैं चुनाव में खड़े हो जाइए। हाँ, हाँ। आगे बढ़िए दयाल जी, हम आपके वो है वो का वो पांच। हाँ, वो सात। हाँ, देखिए देखिए हम लोगों को आपसे कितना उम्मीद है। आप जो हैं हम लोगों का बात दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। पिताजी पिताजी आप ठीक से खड़े रहिए, हमें चिंता रहती है आपकी।
हमें चिंता रहती है। मुकुंद बाबू आप बताइए कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा? दो बूंद, मतलब दो बूंद जिंदगी की बांटते हैं ना, तो चुनाव चिन्ह होगा दो बूंद। ये बात, इस चुनाव चिन्ह से तो हमारी जनता की तबीयत एकदम छक हो जाएगी। देश का नेता, देश की नौकरी, कौन जीत कौन दे, देश की नौकरी, कौन जीत कौन दे। सुतनी, कौन है ये? पता नहीं, कोई लोकल नेता लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। आइए अंदर। कितना बढ़िया चित्रकारी करती हो तुम। ए देखो तो कछुआ, देखा पर्चिया सारी लापताज में लगा के आओ, चिपका के आओ, जाओ। तुम भी चलो ना मिश्री। अरे हम गोद लगाएंगे और तुम चिपका। लग है का? अरे पीछे जा जा, नेता जी आ गए, नेता जी। अरे नेता जी आ गए भाई। अरे कौन नेता जी? आप हमेशा अपने परिवार के साथ ही घूमते हैं और क्या है क्या है, हम थोड़े मजबूर हैं ना। पिताजी अगर हमारे साथ रहते तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, और बेटे को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि अगर लेके ना घूमे तो ये प्रेरणा से मिलने चला जाता है। अरे वाह, सब काम का चल रहा है। देखिए ना, क्या क्या हमें चिंता रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग हमारे लिए कितना खर्चा करिए ना हमारे चुनाव के लिए। कोई बात नहीं, ये सब तो आने वाले कल के लिए है। वो कहा है कि हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। हम तो यही जानते हैं आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। अरे आप चिंता मत करो लड्डू भैया, वो ससुरा दयाल सिंह आपके सामने जीत ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव के समीकरण को तो कुंभकर्ण बना के सुला देगा। वो भी सिंह, हम भी सिंह, ठाकुरों का वोट तो हो गया ना स्विंग। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसीलिए हम नेता हैं और तुम चमचे। उड़ा दे साले को। उड़ा नहीं दो, बैठा दो भैया। बैठा दो भैया, बैठा तो होगा वो अपने घर में। अरे बकलौल, चुनाव में बैठा दो। सुने हैं पर साल भी बैठ गया था वो। सरकार वो तो खड़ा होता ही बैठने के लिए। अरे तो फिर खड़ा ही काय होता है? ताकि बैठ सके। है जी। वही दयाल सिंह चुनाव में खड़े होके बहुत बुद्धि का काम करे हैं। हाँ, अब हमारा नेता है तो हमारी बात होगी। हम तो इसी खुशी में लबलबा रहे थे कि लापतागंज को एक ऐसा नेता मिला है जो लापतागंज का उद्धार करेगा। बिजली, पानी, राशन, दवा दारू सबको मिलेगी। हमको भी यही लगता है। अब दयाल सिंह जैसा नेक और ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा। चुनाव में बैठ जाइए, हमारे समर्थन में। क्या बात करते हैं आप, हमें चिंता रहती है। 50,000 देंगे, बैठ जाइए। आप गलत समझ रहे हैं। 75,000। देखिए हम ईमानदार हैं। 1,00,000। आप हमें 1,00,000 रुपए में नहीं खरीद सकते। तो कितना में खरीद सकते हैं? पांच लाख। 5,00,000 रुपए लेंगे बैठने के। पकड़ा गए हो का? ठीक है, अगर इसी तरह बात करनी है तो हम चलते हैं। हे सुतनी तुम, हम बात करते हैं। हाँ भूलिए। देखिए हम 5,00,000 रुपए से कम पैसे नहीं लेंगे बैठने के। देखिए दयाल सिंह जी, अब पैसे के लेन देन की राजनीति के दिन गए। अब तो भाईचारे की राजनीति का जमाना है। हम भाई हैं आपके। अच्छा पिताजी बैठिए। तो भाई के आगे चारा डालिए और भाईचारा बनाइए। लेकिन 5,00,000 किस बात का? लड़के को धंधे पे लगाना है, पिताजी को कंधे पे लगाना है,
और लड़की ससुराल से लड़के भाग आई है तो उसके बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो लड़की फिर से किसी के साथ भाग जाएगी। बड़ा भगोड़ा खानदान है आपका। चलिए 2 लाख में डन करते हैं। 2 लाख? अरे बिरादरी के कितने वोट्स हमारे पास है वो आपको पता है? 2.5 लाख। पूरा लापतागंज हमारे साथ है। 3। कई विरोधी पार्टियों के ऑफर है हमें उनके समर्थन में बैठने के लिए। तो मेरी तरफ से खा रहा है। देखिए इसी तरह आपके चमचे चपर चपर करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। आप थक रहे हैं। चलो पिताजी रुको मत, उठो। ठीक है मंजूर। नहीं नहीं हमारी बेइज्जती हुई है पिताजी, रुको मत उठो। अरे सुनिए दयाल सिंह जी। नहीं नहीं हमारा इंसल्ट हुआ है पिताजी, रुको मत उठो। ठीक है जाने दो इन्हें। क्या कर रहे हैं पिताजी आप? हमने आपसे ये कहा कि रुको मत उठो। अरे ये भाई साहब हमें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और आप उठ रहे हो। बैठ जाइए पिताजी, हमें आपकी चिंता रहती है। ठीक है 5 लाख रुपए में डील पक्की आपके समर्थन में बैठने की। बैठिए। देखिए घोषणा हम करेंगे, आपकी चालीसा हम गाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपका कोई भी चमचा हमारे साथ नहीं आएगा। क्यों? यही तो हमारा बिजनेस है। क्या कि हमें चिंता रहती है ना, और आपके कार्यकर्ता हमारे साथ आएंगे तो वो हमारे वोट तोड़ डालेंगे, और वोट तोड़ेगा तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, इसी की तो चिंता रहती है ना हमें। देखिए हम घाटमपुर से यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए हैं, जीत के दिल्ली चले जाएंगे, वापस कौन सा आना है? आप हमें जिता दीजिए। है सुतनी बैग दे रहे। आपसे पहले 3 को जीता चुके हैं और लापतागंज की जनता उसको पिला देंगे 2 बूंद जिंदगी के। खुश? हाँ खुश। तो आप भी हमें पिला दीजिए 2 पेग जिंदगी के पिताजी, इसीलिए आपकी चिंता रहती है। ए सुतनी बना रहे पैक। दयाल सिंह जी, दयाल सिंह जी उठिए, मंदिर है, सो क्यों रहे आप, उठिए। अरे हाँ, अरे बाप रे हम कहाँ हैं, अरे हम कहाँ। अरे अरे बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो। अरे पिताजी उठिए उठिए, देखिए हम कहाँ हैं, अरे मंदिर में। अरे बेटा उठो उठो, देखो हम कहाँ हैं, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो। अरे बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दयाल सिंह जी क्या क्या हुआ क्या? पता नहीं रात से शायद यहीं सो रहे थे। रात से कहाँ है? जीतने की प्रार्थना कर रहे होंगे ना? करते हैं कुछ कुछ लोग, जीत का प्रार्थना भी करते हैं। अरे कुछ नहीं, सभी नेता जीत की प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ क्या का, देख क्या रहे हैं? इत्तेफाक। अरे इत्तेफाक ना कभी देखा ना कभी सुना ना कभी सुनोगे। लेकिन हुआ क्या है? कल रात हम थोड़ी देर से सोए। हाँ। सोए तो हम सो ही गए। हाँ। अचानक रात को हमें एक सपना आया। हाँ? तो सपने में हमने क्या देखा? क्या देखा? अपना ये हनुमान मंदिर। अरे। अपार भीड़ लगी थी। हाँ? रामायण का पाठ चल रहा था। जय बजरंगबली की जय हो। अचानक हम भीड़ में से रास्ता बना के मंदिर की चौखट पे पहुंचे और हमारा माथा रगड़ा हमने यूं यूं यूं, और बजरंगबली से कहने लगे कि हे पालनहारा, अब तो आप ही हमारे चुनाव के तारनहारा, हम जीतेंगे तो भी यही रहेंगे और हारेंगे तो भी यही रहेंगे, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं बजरंगबली, सेवा करना चाहते हैं। जैसे ही हम यूं माथा रगड़ रहे थे कि अचानक किसी ने हमारा कंधा पकड़ा और जोरों से हिलाया, तो पलट कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बजरंगबली। बजरंगबली गदा हमारी पीठ पर मार कर बोले कि अरे मूरख, अगर तुझे हमारी सेवा ही करनी है तो चुनाव जीत कर तू दिल्ली क्यों जाना चाहता है? मेरे मंदिर की दशा देख, मेरे मंदिर में भक्तों को बैठने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। तो हमने कहा कि प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि चुनाव के लिए तेरे पास कितना फंड है? तो हमने कहा कि 25,000 रुपये। ऐसे कह के हमने जेब में हाथ डाला और 25,000 रुपये निकाल लिए।
अरे ये तो इत्तेफाक हो गया, ये पैसे हमारे पास कहाँ से आए? हाँ हाँ, माने जो सपने में देखा वो हुआ भी। जय बजरंगबली की। तो बात में समझ में आया दयाल सिंह जी। हाँ जी। इस सपना में आप अपना बाबूजी और बेटा दोनों को ले गए थे का? मजबूरी है ना। हम पिताजी को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि पिताजी से हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ भाभी जी, और बेटे को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि अगर ना घूमे तो ये प्रेरणा के पास चला जाएगा। चिंता होती है ना इन्हें? चिंता होती है। जय बजरंगबली। ये पार्टी का फंड हम मंदिर के उद्धार में लगाते हैं। जय बजरंगबली। मंदिर में इतना पैसा दान दे दोगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? अरे मुकुंदी बाबू, अरे बजरंग बली ने हमें कीचड़ में गिरने से बचाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। जे क्या बात कर रहे हैं? हिंदी बात करते हैं। हमको तो उम्मीद थी अपना उम्मीदवार आएगा, जीतेगा, हमारी दशा सुधर जाएगी। ये तो अब लापतागंज का क्या होगा दयाल सिंह जी? यही सवाल हमने भी बजरंग बली से पूछा कि लापतागंज का क्या होगा। तो हनुमान जी का बोले तो कहने लगे, चिंता चिता चरम है चिरकुट। हाँ। तो हनुमान जी क्या बोले? तो हनुमान जी ने कहा कि ये सब कुछ लड्डू सिंह की पार्टी को ही संभालने दो। ये हनुमान जी बोले? हाँ, और ये भी बोले कि तुम हमारा दूध बनकर लड्डू सिंह की पार्टी में लग जाओ, क्योंकि वो पार्टी ईमानदार है, समझदार है, एकता जरूरी है। हाँ, ध्यान रहे, एकता के साथ हमें लड्डू सिंह की पार्टी को चुनाव में जिताना है और लड्डू खाना है। आपने जिंदगी की दो बूंद की आशा देकर लापतागंज की जनता को बहुत निराश किया है। नहीं मुकुंदी बाबू, ये निराश नहीं किए हैं, लापतागंज को धोखा दिए हैं हनुमान जी के नाम पे। धोखा नहीं, इत्तफाक। हमारा नेता लड्डू सिंह जिंदाबाद। 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 अजीब इत्तेफाक है कि जिसको हम चुनते हैं वो इत्तेफाक से दूसरी पार्टी में जा मिलता है। अगर हमको ये इत्तेफाक सुधारना है तो इत्तेफाक से ये शुरुआत ऊपर से करनी होगी, हमारे संविधान से। तब तक आम इंसान उम्मीद से उन रास्तों को देख रहा है जहां से वो नेता आएगा जो हमारी हालत सुधारेगा, इत्तेफाक से।